भारत में प्रधानमंत्री सुरक्षा और वीवीआईपी सिक्योरिटी के क्षेत्र में एसपीजी सुरक्षा का नाम सबसे ऊपर आता है। क्या आप जानते हैं भारत देश के प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ब्लैक सूट बूट ब्लैक चश्मा लगाए हुए जवान कौन होते हैं? हमेशा चौकन्ने रहने वाले इन कमांडोज का काम क्या होता है और ये कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं? जय हिंद दोस्तों, आपके अपने सैल्यूट इंडियन आर्मी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आपने एसपीजी सुरक्षा का नाम तो कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इसके बारे में कुछ अलग जानते हैं? जैसे एसपीजी क्या होता है, कैसे काम करता है और किन किन सुरक्षा की जिम्मेदारी इन पर होती है, इसका गठन कब हुआ? आज का हमारा ये वीडियो एसपीजी की खूबियों और उससे संबंधित जानकारी पर आधारित है। दोस्तों, एसपीजी भारत के प्रधानमंत्री, उनके परिवार और पूर्व प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा प्रदान करता है। इनके अतिरिक्त एसपीजी किसी और वीवीआईपी की सुरक्षा में नहीं लगाई जाती। एसपीजी के जवानों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये वही ट्रेनिंग है जो यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। इसमें जवानों को फिट, चौकस और टेक्नोलॉजी में परफेक्ट बनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होने के नाते एसपीजी का एक एक कमांडर वन मैन आर्मी होता है। हमले की सूरत में सेकंड कॉर्नर की जिम्मेदारी होती है कि वह पीएम के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े जवानों को सिक्योरिटी कवर दे, ताकि प्रधानमंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। एसपीजी के जवानों के साथ पीएम के काफिले में एक दर्जन गाड़ियां होती हैं, जिसमें बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज की सिडान, 6 बीएमडब्ल्यू X3 और एक मर्सिडीज बेंच होती है। इसके अलावा मर्सिडीज बेंच एम्बुलेंस, टाटा सफारी जेमर भी इस काफिले में शामिल होती है। दोस्तों, एसपीजी कमांडो ऑटोमेटिक गन FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। कमांडोज के पास ग्लोक 70 नाम की एक पिस्टल भी होती है। ये एक लाइटवेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। एसपीजी के जवान हाई ग्रेड बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनते हैं, जो लेवल 3 केवलर की होती है। इसका वजन 2 किलो 200 ग्राम होता है और ये 10 मीटर दूर से AK-47 से चलाई गई 7.62 कैलिबर की गोली को भी झेल सकती है। साथ ही कमांडो से बात करने के लिए कान में लगे ईयर प्लग या फिर वॉकी टॉकी का सहारा लेते हैं। यहाँ तक कि इनके जूते भी काफी अलग होते हैं। ये किसी भी जमीन पर नहीं फिसलते। ये खास तरह के दस्ताने पहनते हैं, जिससे चोट से उनका बचाव होता है। ये कमांडोज चश्मा भी पहनते हैं, जो उनकी आंखों को हमले से बचाते हैं और किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देता है। एसपीजी सुरक्षा के कमांडोज के पास एक स्पेशल ब्रीफकेस होता है, लेकिन इसमें कपड़े या बारूद नहीं होता। ये ब्रीफकेस जैसा दिखने वाला एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होता है। ये पूरी तरह खुल जाता है और रक्षा कवच का काम करता है। ये पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसका काम ये है कि अगर कोई हमला हो जाए तो सुरक्षा कमांडो फौरन इसे खोलकर वीवीआईपी को कवर कर ले। ये ब्रीफकेस और बैलिस्टिक शील्ड किसी भी तरह के हमले से सुरक्षा करने के लिए सक्षम होता है। आतंकी हमले के समय ये ब्रीफकेस एक सुरक्षा ढाल का काम करता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि एसपीजी की स्थापना क्यों और कब की गई। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, जिसकी स्थापना इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की गई थी। अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तय किया गया कि एक विशेष समूह को प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दारोमदार संभालना चाहिए। इसके बाद एसपीजी के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। 18 फरवरी 1985 को मंत्रालय ने बीरबल नाथ समिति की स्थापना की। मार्च 1985 में बीरबल नाथ समिति ने एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट यानी एसपीयू के गठन के लिए सिफारिश पेश की। 30 मार्च 1985 को भारत के राष्ट्रपति ने कैबिनेट सचिवालय के तहत इस यूनिट के लिए 819 पदों का निर्माण किया। इसे नाम दिया गया स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी। एसपीजी के प्रमुख का पद 3 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए बनाया गया है। एसपीजी फोर्स कैबिनेट सचिवालय के तहत काम करती है। इसका प्रमुख डायरेक्टर रैंक का आईपीएस अफसर होता है। इसका मुख्यालय पीएम हाउस में ही होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको भारतीय सेना के वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं। जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।